अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल रेसिपी, जब मेहमान आए तो झटपट बनाकर खिलाइए रवि की खीर। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम डेगचे में डालेंगे 3 चम्मच घी, 2 छोटी इलायची डालेंगे और डालेंगे बारीक कटे हुए काजू और थोड़े से डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटा हुआ पिस्ता और इन सारी चीज को हमें थोड़ा सा कलर चेंज होने तक के भून लेना है। देखिए ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। अभी हमें इसे चम्मच से हिलाते ही रहना है दूध को उबाल आने तक के। बिल्कुल भी हाथ रोकना नहीं है वरना ही नीचे से दाग लग जाएगा। देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अभी हम इसे और 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे ताकि दूध का कच्चापन दूर हो जाए। देखिए दूध एकदम अच्छे से पक चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 छोटी वाटी रवा। एक हाथ से हम रवा डालेंगे और एक हाथ से चम्मच से हिलाते ही रहेंगे ताकि रवा हमारा गुठली ना हो जाए। और इसे चम्मच से चलाते ही रहना है। छः सात मिनट तक हम ऐसे ही इसे पकने देंगे ताकि रवा हमारा अच्छे से पक जाए और खीर भी हमारी गाढ़ी हो जाए। देखिए रवा भी एकदम अच्छे से पक चुका है हमारा और खीर भी गाढ़ी हो चुकी है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 बाटी शक्कर। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच गुलाब पानी। अभी हम इसे 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि हमारी शक्कर अच्छे से पिघल जाए। शक्कर पिघलने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम मावा और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मावा और चीनी सब अच्छे से पिघल चुकी है, खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। माशाल्लाह देखिए रवे की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे फ्रिज में भी रखकर इसे ठंडा खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना रवे की खीर कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।